वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फिर अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी कि बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। विद्यार्थियों को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जब से बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हुए हैं तब से कुछ नया नया अपडेट लेकर आ रहे हैं। इसी की कड़ी में छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। चलिए क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाने जा रहा हूं। फ्रेंड, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि भविष्य में आने वाली जो भी जानकारी होगी ग्रेजुएशन से संबंधित आपको सही और सटीक समय पर दी जाएगी। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यह देखकर थोड़ा आप सभी को आश्चर्य होगा, अगले सत्र से 4 वर्ष का होगा स्नातक कोर्स। यानी कि कोई भी अगर कोर्स कर रहे हैं स्नातक, यानी कि मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम या कुछ और कर रहे हैं जो स्नातक के अंतर्गत आता है, ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, तो अब आपको 4 वर्ष का होगा। देखिए फिर आखिर इसमें क्या कुछ बताया गया है। अगले सत्र से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत नामांकन होगा। राजभवन इसके लिए टाइमलाइन जारी करेगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरुवार को विश्वविद्यालय में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि सीबीसीएस एवं सेमेस्टर आधारित सिस्टम के आधार पर 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई आरंभ किए जाने को लेकर सभी कुलपति और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ राजभवन में बैठक की है। यानी कि यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि 4 वर्ष अगर आप लोग स्नातक करने वाले हैं तो आपको 4 वर्ष लगेगा। चलिए फिर इस वीडियो को और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, समझ में आएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह तय हुआ है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-27 से 4 वर्षीय स्नातक आरंभ किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं 23-27 लिखा हुआ है, जो कि पहले 23-26 होता था, यानी कि 3 साल का होता था। तो अब यहां पर अगर आप लोग 2023 में नामांकन लेने वाले हैं तो अब आपका 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होगा। उसके बाद इसमें बताया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम की संरचना तथा प्रथम वर्ष के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किए जाने को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि जल्द ही इस पर पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। इस सत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर ही नामांकन होगा, परंतु सभी विश्वविद्यालय को एक ही समय पर सभी संबंधित कार्य संपन्न करने होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है। आप सभी को मालूम होगा कि इसके पहले सभी विश्वविद्यालय का अलग अलग सेशन हो गया है। कहने का मतलब है कि कहीं सेशन अलग जा रहा है, कहीं सेशन अलग जा रहा है, किसी सेशन का एग्जाम पूरा हो जाता है तो किसी सेशन का एग्जाम पूरा नहीं होता है। इसी को लेकर के यह सब नियम लागू किया गया है। यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं कि सभी सेशन अब एक साथ चलेगा। इसके लिए राजभवन टाइमलाइन तय करेगा, यानी कि राजभवन से जो भी निर्देश मिलेगा उसको पालन करेगा यूनिवर्सिटी। तथा उसके बाद बताया गया है कि आधारभूत संरचना तथा सुविधाओं के आकलन आदि के संबंध में भी विमर्श हुआ। एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है कि अगर आप लोग स्नातक करने वाले हैं तो आपको 4 वर्ष लगने वाला है। तो यह एक बहुत ही बड़ी खबर है। आपको एक और बात यहाँ पर बता दो कि आपका जो एग्जाम होगा सेमेस्टर वाइज होगा, यानी कि 6-6 मंथ पे आपका एग्जाम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 8 एग्जाम होने की संभावना है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए फिर आगे जो भी जानकारी आएगी आपको देने की कोशिश करूंगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सही समय पर मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।